सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले आईपीएल 2024 के 66वें मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 16 मई दिन गुरुवार को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आईपीएल 2024 का 66वां मुकाबला खेला जाना था। ये मैच होना था सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद से भी जरूरी किसी टीम के लिए ये मुकाबला होना था तो वो थी आरसीबी। आरसीबी टीम के लिए ये मुकाबला होना बहुत ही जरूरी था। जी हां दोस्तों, वो क्यों, चलिए बताता हूं। इस मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर मौजूद थे और बारिश की वजह से इस मुकाबले के रद्द हो जाने के कारण सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस को आपस में एक एक पॉइंट दे दिए गए, जिससे हुआ ये कि जो सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर मौजूद थे वो अब क्वालिफाई कर चुकी है। जी हां दोस्तों, आज मिलने वाले एक पॉइंट ने सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत को चमका दिया और सनराइजर्स हैदराबाद 15 पॉइंट्स के साथ वो तीसरी टीम बन चुकी है जो क्वालिफाई कर चुकी है। इससे पहले कोलकाता और राजस्थान दोनों ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन 15 पॉइंट के साथ अब एसआरएच तीसरी टीम बन गई है। अब पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा कोई भी टीम 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि 18 मई को आरसीबी और सीएसके के बीच इस सीजन का सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। 18 मई को अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो चौथे स्थान पर क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर आरसीबी 18 रन या 18.1 ओवर में चेन्नई को हरा देती है तो आरसीबी प्लेऑफ में चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर 18 मई को बारिश ने मैच में खलल डाला तो चेन्नई सुपर किंग्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या लगता है आपको, 18 मई को बेंगलुरु में बारिश होगी या नहीं, या फिर पूरा मैच खेला जाएगा? और अगर मैच खेला जाएगा तो कौन सी टीम बाजी मारेगी, कमेंट में बताइएगा जरूर।